मर्द को आपसे वाबस्ता करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? दी गर्ल्स गेट गाइज टीम ने ब्लॉग स्पोर्ट्स में लिखा है कि एक आदमी को आपका पीछा करने और उसका इर्तकाब करने का तरीका मौजूद है। बहुत सारी खवातीन उन मर्दों के बारे में बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं जो उनमें दिलचस्पी तो ज़ाहिर करते हैं लेकिन फिर अचानक किसी और का पीछा करने लगते हैं। इस चक्कर की वजह से कुछ खवातीन ये मानती हैं कि ये उसकी गलती है और फिर उसकी इज्जत नफ्स के साथ गड़बड़ करना शुरू कर देती है। हो सकता है कि ये आपके साथ हो और ये चक्कर पहले से ही आपकी जिस्मानी और जहनी सेहत को मुतासिर कर रहा हो, इसलिए अब आप इस मसले का हल और ऐसे तरीके तलाश कर रही हैं कि जिससे आदमी आपको पसंद करे, आपका पीछा करे, जब तक कि वो आपसे पक्का वादा ना कर ले। आपको ये जानकर खुशी होगी कि ऐसी तजावीज़ और चालें हैं जिनका इस्तेमाल आप तवज्जो हटाने के लिए कर सकती हैं और जिस आदमी को आप पसंद करती हैं उसे अपने प्यार में वापस ला सकती हैं। ऐसे कई नुक्कात और चालें हैं जिनका इस्तेमाल आप इस बात को यकीनी बनाने के लिए कर सकती हैं कि उसकी तवज्जो आपको कभी ना छोड़े और जब तक कि वो अहद ना करे आपका पीछा करे। ऐसे कई तरीके हैं जिनसे आप अपने आप को एक आदमी के लिए नाकाबिले मज़ाहमत बना सकती हैं यहाँ तक कि वो आपका पीछा करे, जब तक कि वो आपसे वादा ना करे। पहली चाल, पुर इसरार बने, अपने राज को अपने पास रखना सीखें। शुरू में अपने तमाम कार्ड्स ना दिखाएं, उसको आपकी पैरवी करने के लिए छोड़ दें जब तक कि वो आखिरकार आपसे वादा ना करे। पहली बार जब आप उसे देखती हैं तो उसे सब कुछ ना बताएं, ये गलत सिग्नल भेजेगा क्योंकि वो सोचेगा कि आप हर एक के साथ ऐसा ही करती हैं जो नाखुशगवार है। पहली चंद बार जब आप उससे मिलें तो सब कुछ बताने की जगह उसे आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज़िंदगी में आने दें, ऐसा करने से उसकी आप में दिलचस्पी बरकरार रहेगी। दूसरी चाल, छेड़छाड़ करने का तरीका सीखें। ये वो चीज़ है जिसमें आपको महारत हासिल करने की ज़रूरत है अगर आप चाहती हैं कि वह आपका पीछा करे। मर्द उन खवातीन से मोहब्बत करते हैं जो छेड़छाड़ करना जानती हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि ये खवातीन बहुत अच्छी होंगी। सच्चाई से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर जो है सो है, लिहाजा अगर आप नहीं जानते कि किस तरह छेड़छाड़ करनी है तो वक्तन फ़ौक्तन छेड़छाड़ करें। लेकिन आपको उसे प्यारा बनाने की ज़रूरत है, आप उसके साथ मायूस होने की ऐसे से सामने नहीं आना चाहिए। आँख से रब्ता करें, मुस्कुराएं और लतीफ़ बने। अपनी दिलचस्पी का इजहार करने के लिए अपनी बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करें। अगर वो आपके अमाल का जवाब देता है तो इसका मतलब है कि वो आप में दिलचस्पी रखता है। तीसरी चाल, उसे हासिल करने के लिए मुश्किल बने। कोई भी चीज़ आदमी को उससे ज़्यादा तेज़ी से दूर नहीं करती है। आप ये सोचते हुए कि आप एक आसान कैच होंगे अगर आप बहुत दस्तियाब हैं तो ये उसे पैगाम भेजता है कि आपको तवज्जो की अशद ज़रूरत है। ऐसा करने की बजाय उसे एक फासले पर रखें और हासिल करने के लिए सख्त खेल खेलें। फौरी तौर पर कॉल्स या टेक्स्ट का जवाब ना दें। उसे दिखाएं कि आप अपनी ज़िंदगी की दूसरी चीज़ों में मसरूफ़ हैं, आपके पास दूसरी चीज़ों पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। ये तरीका उसे आपका पागल बना देगा और एक नए अंदाज में आपका पीछा करेगा। वो आप दोनों के एक दूसरे से अहद करने के बाद भी आपकी कदर करेगा। चौथी चाल, पीछा ना करें। डेटिंग और रिश्तों में बुनियादी उसूलों में से एक ये है कि आपको कभी भी किसी आदमी का पीछा नहीं करना चाहिए। औरत के बारे में ये कोई दिलकश नहीं है। अपने आप को किसी आदमी के लिए नाकाबिले मज़ाहमत बनाने के लिए आपको उसे नज़रअंदाज करना चाहिए और उसकी तवज्जो बरकरार रखने के लिए सख्त मेहनत करना चाहिए। आपको जीतना जितना मुश्किल होगा वो आपकी तवज्जो के लिए उतना ही ज़्यादा काम करेगा। ये एक सादा सी चाल है लेकिन ये ज़्यादा काम करती है। आपको मोहतात रहना चाहिए कि वो आपका पीछा करे। पांचवी चाल, सब्र करना सीखें। आप शायद ये चाहती हैं कि वो अपने जज्बात का एहसास करे और फौरी तौर पर आपसे अहद करे, लेकिन सब्र एक बेहतरीन चीज़ है जो आप कर सकती हैं। जब दिल के मामलात की बात आती है तो मर्द अपना वक्त निकालना पसंद करते हैं। वो मुकम्मल तौर पर इस बात का यकीन करना चाहते हैं कि उसके एहसास हकीकी हैं। ये एक अच्छी चीज़ है।
ज़्यादा चिचिया और मरीज ना बने, क्योंकि इसकी वजह से वो आप में दिलचस्पी खो देगा। वो एक ऐसी औरत चाहता है जो उससे प्यार करे और उसकी कदर करे, लेकिन उसके साथ साथ उसकी इज्जत भी करे। सब्सक्राइब, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो बड़ा मेहरबानी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से कहें। सब्सक्राइब करने से होता हमारा जो चैनल है वो ग्रो करता है, आगे बढ़ता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।